नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, संक्षिप्त परिचय। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास, काल विभाजन, युग का नाम, समय सीमा। पहला है पूर्व भारतेंदु युग, 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग का काल रहा है 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का काल 1900 से 1922 ईस्वी तक रहा। शुक्ल युग का काल 1919 से 1938 ईस्वी तक रहा। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना, विधा का नाम, रचना का नाम, रचनाकार। पहला है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार हैं कवि गंग। दूसरा है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तीसरा हिंदी का प्रथम उपन्यास गुरु परीक्षा, इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद गिरिधर दास। शुक्ल योम शुक्लोत्तर युग की हिंदी में विभिन्न पत्रिकाएं, युग का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, संपादक, प्रति प्रबंधक का नाम, प्रकाशन स्थान। शुक्ल युग नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, ये बनारस स्थान से इसका प्रकाशन हुआ। हंस, इसके संपादक है प्रेमचंद्र, इसका भी प्रकाशन बनारस से हुआ। साहित्य संदेश, इसके संपादक हैं गुलाब राय, ये आगरा से इसका प्रकाशन हुआ। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, इसके संपादक है, इसका प्रकाशन जबलपुर से हुआ। दूसरा शुक्लोत्तर युग विशाल भारत, ये पत्रिका का नाम, इसके संपादक पंडित श्री राम शर्मा। हरिजन सेवक वियोगी हरि, इसके संपादक हैं सम्मेलन वियोगी हरि, इसके संपादक हैं छाया पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, इसके संपादक हैं। हिंदी नवजीवन हरिभाऊ उपाध्याय, इसके संपादक हैं चांद महादेवी वर्मा, ये इसके संपादक हैं। तरुण भारत योगी वृक्षलाल बेनीपुरी, किसान मित्र हिमालय नई धारा, कर्मवीर बालक युवक, ये सभी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं और ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वो इलाहाबाद से प्रकाशित की गई हैं।